नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय हेल्थ सुरक्षा में। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने बालों को काला, लंबा और घना कैसे बनाएं। हमारे पास एक बिल्कुल न्यू मेथड है जिससे ना आपको प्यास की बदबू आने वाली है, ना आपको प्यास के आंसू आने वाले हैं और ना आपको प्यास का रखा हुआ पानी वापस रीयूज़ करना है। बिल्कुल फ्रेश एंड सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं कैसे। हमने लिया है एक प्याज जो हमने छील के रखा हुआ है और उसको धो लिया एक बार, और हमने लिया है पैराशूट ऑयल। आप कोई भी जो ऑयल यूज़ करते हैं नॉर्मल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस प्याज को ना ही तीन चार प्याज लेंगे, उनको धोएंगे, छीलेंगे, काटेंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे, ना ही हम उसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे और फिर उसको छानेंगे, उसका पानी निकालेंगे। ना हम लोगों के पास आजकल की ज़िंदगी में इतना टाइम होता है और ना ही यहाँ पर इतनी एनर्जी के बैठ के इतने सारे प्याज छीलें काटें। आपको जब जब ज़रूरत हो आपको शैम्पू करने की, और जब आप चंपी करें, ये इजी आसान तरीका यूज़ कर लें। हम इसमें से प्याज को ग्रेट करेंगे, यानी कि कद्दूकस करेंगे। आइए देखते हैं उसका प्रोसेस। अब हम प्याज को बड़ी आसानी से कीस लेंगे। प्याज में सल्फर होता है, एक ऐसा मिनरल जो आपके बालों की खोई हुई न्यूट्रिशन को वापस लाता है। आपके बालों में जो थिनिंग होती है, बाल पतले हो जाते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, उन सब चीज़ों को रिपेयर करता है। एक और चीज़, प्याज एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, यानी कि आपके बालों में जो डैंड्रफ, लीकें, हेयर फॉल होना, स्प्लिट सेंड यानी कि दो मुए बाल होना, ये सब एक इन्फेक्शन का जो नतीजा होता है, इन सब चीज़ों को वो साफ करता है, आपके बालों को क्लीन करता है। और इसी वजह से आपका ये अनियन जूस लगाना बालों में बहुत फेमस है। सो आप देखें अभी कैसे ये प्याज आसानी से कद्दूकस हो गया है और इसका पानी अपने आप ही निकल रहा है। हमने इसको बड़ी आसानी से ग्रेट किया और उसका पानी इसने निकाला है। हमने इसको कोई बॉईल करके पानी नहीं छाना है, कोई हमने इसको मिक्सी में भी नहीं किस के इसको छाना है। बस आधा ही प्याज कद्दूकस करने से मुझे इतना सारा, करीबन आधा बाउल जूस मिल गया। सो आप देखिए कितना कम वेस्टेज हुआ है, कितना कम पल्प निकला है, ज़्यादा अनियन जूस निकला है और आधे से भी कम प्याज यूज़ हुआ है। सो कितना आसान था ये। आपको जब भी चंपी करें शैम्पू के पहले, आप बस अपना जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, पैराशूट या एलमंड ऑयल, उसमें ये फ्रेश अनियन को ग्रेट करके उसका रस आप मिक्स कर दीजिए। आपको डबल बार कोई दो बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, या शैम्पू नहाते समय आधा घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई बालों में बदबू महसूस होगी। बस इसको मिक्स करिए और आसानी से आपके बालों में फ़र्क महसूस होगा, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बालों में कालापन आएगा, बाल बहुत थिक हो जाएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बालों की लंबाई बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। सो आप इसको हफ्ते में दो बार अप्लाई करिए, महीने में करीबन 6-7 बार अप्लाई करिए एंड हमें ज़रूर बताएं कि आपके बाल कितने इंच बढ़े एक महीने में। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल माय हेल्थ सुरक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।